ये प्राकृतिक आपदा इतनी ज्यादा है कि बारिश ने ना केवल शिमला बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश को कुदरत की कहर का सामना करना पड़ रहा है। खासकर शिमला में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 4-5 दिन हो चुके हैं जहाँ जहाँ पानी नहीं आ रहा। पानी के जो सोर्स है उसमें दाद इतनी भर गई है, कुछ पंप बंद हो गए हैं और उसमें ब्लॉकेज हो गई है। और कुदरत का बारिश का इतना कहर के अलावा कि नॉन स्टॉप बारिश चली है। आज शिमला में थोड़ी देर बारिश होती है लेकिन अपर शिमला में अभी भी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हमारे कार्य करने में बड़ी समस्या हुई है। इसीलिए हमने आप टैंकर के माध्यम से जहाँ जहाँ लोकेलिटीज में जहाँ जहाँ हमने बाजार में और जहाँ छोटे टैंकर भी मिलाए हैं, प्राइवेट टैंकर भी हायर किए हैं और नगर निगम के अपने टैंकर हैं, उसके माध्यम से भी हमने पानी की सप्लाई की। पिछले कंट्रोलों में और ड्रॉप हाउस में और खलीनी में जहाँ जहाँ टैंकर जा सकते हैं, और अभी हम सिंजोली जा रहे हैं। सिंजोली के बाद लोअर बाजार में अभी रोजगार के लिए सभी हमारे जो पार्षद हैं वो वहाँ की मांग पर उनके साथ साथ जहाँ जहाँ वो उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं हमारे पार्षद, उनका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ में शिमला की जनता का भी जिन्होंने इससे करता हूँ और अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हो सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पानी पहुँचाए टैंकर के माध्यम से।